morning, students. Today we are going to read about the nationalism, how nationalism spread in different nations, different parts of the Europe. Yesterday we study about the background of the spreading of nationalism in Europe. इसका पार्ट टू पेज नंबर 8 है आपका, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसा कि कल हमने पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस तो एक नेशन बन गया, लेकिन फ्रांस की यह लहर पूरे यूरोप में कैसे फैली और कैसे पूरा यूरोप के अलग अलग पार्ट्स एक नेशन बन गए, वो ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसके फर्स्ट पैराग्राफ को आप, हिस्ट्री है, पहले भी हमने बताया है कि लाइन बाय लाइन आप निश्चित रूप से बुक में पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य बातें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। बाकी किताब का रीडिंग देना बिल्कुल जरूरी। इसमें कुछ आप देख रहे हैं, दाहिने तरफ कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को मेंशन किया गया है, और ये सारे डेट्स इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड है, जैसे 1797 में नेपोलियन इन्वेड इटली, 1814 से 15 फॉल ऑफ नेपोलियन, 1821 ग्रीक स्ट्रगल, 1841 रिवॉल्यूशन के बारे में। ये सारे डेट्स और ये सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इसको दिमाग में सबसे पहले रखना। इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये दिखाया गया है कि जैसा कि कल भी हम बताए थे कि पूरा यूरोप डिफरेंट एम्पायर में डिवाइड, होल यूरोप इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एम्पायर्स एंड एम्पायर्स वेयर फॉर्म्स फॉर डिफरेंट नेशनलिज्म। और ये साम्राज्य जो है अलग अलग राष्ट्रवाद से बना हुआ था, एक बड़े साम्राज्य में कई छोटे छोटे राष्ट्र छुपे हुए थे, लेकिन उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, पहचान नहीं थी। वह राष्ट्र, वह क्षेत्र उस साम्राज्य का हिस्सा माना, उसका उदाहरण इसमें दिया गया है कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये तीनों जो क्षेत्र थे वे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और सब इंडिपेंडेंट उसके रूलर थे। उसके बाद दो सबसे बड़ा एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ये दोनों साम्राज्य में डिफरेंट कंट्रीज उसके अंदर थे, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, ये सारे कंट्री का नाम दिया है जो उस साम्राज्य का हिस्सा थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा कह रहा है इस पैराग्राफ में कि सवाल ये उठता है कि व्हेन यूरोप इज डिवाइडेड इनटू मल्टीनेशनल एम्पायर्स दैट हाउ कैन एंड ऑल एम्पायर्स आर वेयर पावरफुल्स, सो हाउ कैन इन दिस सर्कमस्टेंसेस ए इंडिपेंडेंट नेशन कैन बी इमर्स्ड। ये सवाल इसके लास्ट में आपको, इस पैराग्राफ के लास्ट में दिखाई देता है। तो कैसे इस परिस्थिति में राष्ट्रवाद का अभ्युदय यूरोप में हुआ, ये इसके आगे के टॉपिक्स में बताया गया है। अब जो इसका 2.1 का जो टॉपिक्स है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, अब ये हमें देखना है कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड दैट हेल्प्स टू इमर्जेंस द नेशनलिज्म इन यूरोप। पृष्ठभूमि क्या है यूरोप का, बैकग्राउंड क्या था, कंडीशंस क्या था। तो ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप महादेश के अलग अलग क्षेत्रों में एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र इसका हिंदी होता है, कुलीन वैसे लोगों को कहते हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। तो यहाँ जो एरिस्टोक्रेट एक ग्रुप था यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, वे लोग एजुकेटेड भी थे और वेल्दी भी, उनके पास पैसा संपत्ति भी था, क्योंकि वे लोग मोनार्क के साथ बहुत क्लोज रिलेशन था उनका, राजतंत्र जब राजा थे जिन देशों में, और उस क्लोज रिलेशन का फायदा उठा के वे लोग संभ्रांत हो गए थे। तो एक एरिस्टोक्रेसी ग्रुप जो था ब्रिटेन में, पूरे ऑल ओवर यूरोप में ये था। और ये जो ग्रुप था वह कॉमन पीपुल से बिल्कुल अलग था, इनका लाइफ स्टाइल, इनका रहन सहन। कॉमन पीपुल में ज्यादा संख्या किसानों की थी,
लेकिन दे बीजेंट्री वाज अंडर द एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र के अधीन जो कुलीन थे दे वेयर लैंडलॉर्ड एंड बीजेंट्स वेयर टेनेंट्स, जो जमीन के मालिक कुलीन लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट होते थे और किसान उनके जमीन में खेती करते थे। तो इससे एक एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप इस पोजीशन में आ गया था कि वह किसी भी चेंज के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर सके। दूसरा एक ग्रुप था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, हालांकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ही हो गया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे दूसरे क्षेत्रों में इसका प्रभाव 19th सेंचुरी में हुआ। तो इससे एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा समाज बना जो बिजनेस के द्वारा इंडस्ट्री में काम करके उसके पास कुछ पैसा हो गया था और वह कुछ उसके पास लाइफ स्टाइल उनका बदल गया था और लाइफ स्टाइल बदलने के कारण पॉलिटिक्स में भी उनका प्रभाव था। तो मुख्य रूप से ये दो ग्रुप यूरोप के अलग अलग कंट्री में थे जिन्होंने नेशनलिज्म के उभार में, राष्ट्रवाद के उभार में राष्ट्रवाद को स्प्रेड करने में, एरिस्टोक्रेटिक वन मार्क्स के क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है कि हु बेयर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देन यू हैव टू आंसर एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप एंड इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन एंड लेबर्स। ये जो ग्रुप थे ये इन लोगों को लिबरल कहा गया, उदारवाद। वही आपका अगला टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, उदार राष्ट्रवाद। एक लिबरल का जस्ट अपोजिट होता है कंजर्वेटिव। किसी भी कंट्री में दो तरह के विचारधारा वाले लोग होते हैं, एक उदारवाद होते हैं, उदारवादी लिबरल्स उनको कहते हैं जो दूसरे की आइडियोलॉजी का रेस्पेक्ट करते हैं, दे वे आर कॉल्ड लिबरल्स। हु डज नॉट रेस्पेक्ट अदर आइडियोलॉजी दे वे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव, उनको कट्टरपंथी कहा जाता है जो दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करते। तो यूरोप में ये जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था वह लिबरल था। लिबरल का मतलब ही लिबर वर्ड दिया है कि यह लैटिन मतलब है जिसका मतलब होता है लिबरलिज्म, इसका मतलब फ्री, स्वतंत्रता, आजादी, उदारवाद। किससे आजादी? फ्रीडम फॉर इक्वालिटी। यानी एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप के अधीन जो किसान थे या जो लोग उनके अधीन काम करते थे वे अपने मालिकों से आजाद हो जाए, ये लिबरल था। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, लिबरलिज्म का मतलब था कि सभी इक्वल हो, एक समान हो और कानून के समक्ष सभी एक समान हो, ये लिबरलिज्म का आइडिया। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर के पहले पैराग्राफ में व्हाट इज लिबरलिज्म ये समझाया। टर्म लिबरलिज्म डेरिव फ्रॉम द आंसर उसका लिखेंगे। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज वैश्विक मताधिकार इसको कहते हैं। जैसे जिस देश में भी कोई भी पॉलिटिकल चेंज हुआ तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूनिवर्सल सफरेज, वैश्विक मताधिकार, कि हर लोगों को अपने इच्छा से पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सपोर्ट करने का अधिकार है और उनके पास ऑप्शन होगा कि वह किस पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सफरेज। तो ऐसा नहीं था कि लिबरलिज्म के आने के साथ ही पूरे यूरोप में यूनिवर्सल सफरेज मिल गया। यू हैव टू रिकॉल फ्रेंच रिवोल्यूशन, ओनली एक्टिव सिटीजन आर गिवन टू यूनिवर्सल सफरेज। एक्टिव सिटीजन जो थे जो टैक्स पे करते थे उन्हीं को यूनिवर्सल सफरेज दिया गया था। तो ये लड़ाई अभी यूनिवर्सल सफरेज तक नहीं पहुंची थी लेकिन लोगों के विचारों ने इसको मजबूत किया नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड के बारे में कल के क्लास में हमने आपको बताया कि नेपोलियनिक कोड ने सोशल रिफॉर्म के क्षेत्र में भी अपना योगदान किया, उनका कंट्रीब्यूशन था। इकोनॉमिक क्षेत्र में भी लिबरलिज्म जो है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, लिबरलिज्म का मतलब आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा लगाए गए जो रिस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध थे, उनको खत्म करने का मतलब लिबरलिज्म था।
नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय लगाए थे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय में सबसे पहले जो छोटे जर्मनी क्षेत्र को, जर्मन क्षेत्र को, जर्मन एरिया को नेपोलियन ने जब पूरे जर्मन क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो जैसा कि अभी आप हमने बताया है कि जर्मनी 300 स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड, 300 छोटे छोटे राज्यों में, तो नेपोलियन का जब पूरा जर्मन क्षेत्र पर अधिकार हुआ था तो नेपोलियन ने ये सारे जर्मन क्षेत्र को 39 स्टेट्स के एक कॉन्फेडरेशन में डिवाइड करके उसको 300 को 39 में यूनाइट किया था। यह जो नेपोलियन का स्टेट था, दिस वाज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट टुवार्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आगे आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन का यह स्टेट जर्मनी के एकीकरण के लिए उठाया गया पहला कदम था। इस पैराग्राफ में वही उदाहरण आपको दिए गए हैं कि किस देश से किस देश में जाने पर कितने कस्टम बैरियर थे और 5% प्रत्येक बैरियर के हिसाब से व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था। इससे क्या था कि गुड्स मूवमेंट, ट्रेड का जो मूवमेंट था उस पर इसका असर पड़ता था। उसी तरह 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको जोलवेरिन कहा गया। ये एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय जोलवेरिन। जोलवेरिन के बारे में इसमें दिया हुआ है कि जोलवेरिन वाज ए यूनियन फॉर इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटीज फॉर सेवरल गुड्स एंड फॉर सेवरल आइटम्स व्हिच आर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप। ये जोलवेरिन, इसको सबसे पहले जोलवेरिन के गठन में प्रसिया, जो जर्मन प्रसिया एक जर्मन क्षेत्र का ही एक राज्य था, प्रसिया आज के डेट में प्रसिया कोई अलग देश नहीं है, जर्मनी का ही हिस्सा है। उस समय जर्मनी जो 39 कॉन्फेडरेशन में नेपोलियन ने जब उसको यूनाइट किया तो उसमें प्रसिया सबसे पावरफुल उसका एक स्टेट था, राज्य था। आगे चल के प्रसिया के लीडरशिप में ही जर्मनी की यूनिफिकेशन का काम हुआ है। तो इस तरह की परिस्थिति पूरे यूरोप में कायम थी। नेपोलियन ने यूरोप के परिस्थिति को लिबरलिज्म की तरफ ले गया, उदारवाद की तरफ। लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई नेपोलियन के फॉल के बाद, उसके पतन के बाद, उसको यूरोप के इतिहास में न्यू कंजर्वेटिज्म के नाम से जाना जाता है। नव कट्टरवाद या नया कट्टरपंथ, इसको भी आप कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म, जैसा कि अभी हमने लिबरलिज्म के मीनिंग के समय आपको बताया है कि कंजर्वेटिज्म लिबरलिज्म का अपोजिट मीनिंग होता है। कट्टरपंथी यानी दूसरे के विचारों का हम सम्मान नहीं करेंगे, हमारा विचार ही सबसे सर्वोत्तम है। तो ये एक बार फिर पूरे यूरोप में 1815 के बाद वापस आया था। इस क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में वियना सेटलमेंट और वियना कॉन्फ्रेंस के नाम से इसका क्वेश्चन बनते हैं। ये चूंकि वियना कॉन्फ्रेंस, अब इसके बारे में आप जानिए कि ये क्या था। नेपोलियन के डिफीट के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये दो पावरफुल कंट्री थे जिन्होंने नेपोलियन को पराजित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो नेपोलियन ने चूंकि यूरोप के मैप को अपने हिसाब से फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था, बहुत क्षेत्रों को जीत दिया था, बहुत देशों की सीमाएं अलग अलग हो गई थी, तो नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। ड्यूक मेटरनिक ने उन सभी देशों के शासकों और राजाओं को अपने देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया जिसमें सभी पुराने राजा महाराजाओं को लाया गया, और उस सम्मेलन को हिस्ट्री में वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस में हुए सारे रूलर, वे सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को पराजित किया था। इस वियना कांग्रेस का उद्देश्य था जापान पूरे यूरोप में फिर से ओल्ड रिजिम को वापस लाना, पुरानी व्यवस्था। ओल्ड रिजिम मतलब बिफोर द
फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 के पहले जो यूरोप का कंडीशन था, फिर से यूरोप को उसी कंडीशन में लाने का फैसला वियना कॉन्फ्रेंस में हुआ। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि हुई, जिसमें बहुत सभी देशों ने भाग लिया और उसमें यूरोप का मैप फिर से तैयार किया गया। और जिस देश में भी 1789 के पहले जिस डायनेस्टी का राजा था, उस राजा को फिर से उस देश में स्थापित कर दिया गया। यानी 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी चेंजेस पॉलिटिकल सिस्टम में आए थे, उन सारे चेंजेस को, सभी बदलावों को समाप्त करके फिर से पुरानी व्यवस्था में यूरोप को लाने का काम ड्यूक मेटरनिक ने किया। इसी सिस्टम को, इसी व्यवस्था को न्यू कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। इसको आप पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि उस वियना कांग्रेस में किस स्टेट को किस स्टेट के साथ जोड़ा गया, और जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था उसको अनटस्ट, सभी देशों की सीमाएं बदली गई वियना कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, लेकिन जर्मन क्षेत्र का जो 39 राज्यों का एक जो समूह था, उस क्षेत्र को में कोई बदलाव वियना कांग्रेस में भी नहीं किया गया। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये वियना कांग्रेस का ही फिगर है कि उसमें वे सभी राजा महाराजा पुराने लोग शामिल हैं, और उन लोगों ने फिर से ये जितने क्रांति के द्वारा क्रांतिकारियों ने बदलाव लाए थे उन सबको बदलने का काम किया। अब वियना कांग्रेस के परिणाम स्वरूप द रिवॉल्यूशनरीज 2.4 में दिया है कि क्रांतिकारियों का संगठन, अब जिन लोगों को वियना सेटलमेंट के बाद जो लोग रिवॉल्यूशन किए थे, जो लोग क्रांति के विचारधारा में विश्वास रखते थे, उन लोगों को देश छोड़ना पड़ा। मेटरनिक ने जब फिर पुराने राजाओं को उनके देश में राजा बना दिया वियना सेटलमेंट के बाद, तो जिन देशों में जो क्रांतिकारी थे उन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, और वे लोग अंडरग्राउंड होकर के एक क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया, जिसको कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था कार्बोनरी 1807 में, और इसकी स्थापना इटालियन क्रांतिकारी, इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के द्वारा किया गया था। यह वही मैजिनी है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, कि जिसने इटली के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैजिनी ने सबसे पहले जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम था यंग इटली, और उसके बाद उसने बर्न में यंग यूरोप, इस तरह के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। इनका काम यही था कि ये सीक्रेट रूप से सीक्रेटली भूमिगत होकर के क्रांति के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, और इस मौके में थे कि जो मेटरनिक ने जिस सिस्टम को फिर से इम्पोज कर दिया, फिर से जो मोनार्की एस्टेब्लिश कर दिया गया, उस सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए। तो मैजिनी के परिणाम स्वरूप सिर्फ इटली ही नहीं, इसमें आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां इस तरह का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना, क्रांतिकारियों का संगठन बना। और यही संगठन दूसरा जो क्रांति हुआ 1830 में, और तीसरी जो रिवॉल्यूशन हुई 1848 में, ये दोनों रिवॉल्यूशन इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए, और इसके बाद जो बदलाव आया वो इसमें पढ़ना है। चैप्टर सेक्शन 3 है इसका, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848। इसके पूरे पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जुलाई 1830 में फ्रांस में सबसे पहले क्रांति की फिर से दोबारा शुरुआत हुई। यानी 1815 के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस में वही बर्बन डायनेस्टी जो 1789 के पहले जो राजा थे उन्हीं के राजा, उनको ही फिर राजा बना दिया गया था मेटरनिक सिस्टम के अनुसार, वियना सेटलमेंट के अनुसार। तो उनके खिलाफ सबसे पहले जुलाई 1830 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ,
और उस समय जो राजा थे और क्रांतिकारियों ने क्या किया कि लुई फिलिप को, जो एक कॉमन पीपुल था, उसको उसके नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से फ्रांस में स्थापित किया। यानी मेटरनिक सिस्टम सिर्फ 15 ईयर तक चला, 1815 से 1830 तक। 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ और उस जुलाई रिवॉल्यूशन में फिर से फ्रांस में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद दूसरी घटना जो है इस टॉपिक्स में, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक यूनान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उस देश का नाम ग्रीक है, जैसे हमारे देश का इंडिया और भारत है, उसी तरह ग्रीक की आजादी की लड़ाई। अब ग्रीक को किससे आजाद होना था? ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर लेड बाय टर्किश मुस्लिम रूलर, तुर्की के मुसलमान शासक के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य था और ग्रीक उसी का हिस्सा था। और ग्रीक का कल्चर वर्ल्ड का सबसे एंशियंट और फेमस कल्चर के रूप में माना जाता है, और वह ग्रीक के लोग अपने कल्चर और अपने राष्ट्र को माने फिर से ग्रीक नेशन बनाने के लिए ऑटोमन एम्पायर से बाहर आने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जो ये फ्रेंच यूरोप के क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने ग्रीक वार में क्रांतिकारियों की मदद की और उनके मदद से ग्रीक ऑटोमन साम्राज्य से अलग होके एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में वर्ल्ड के मैप पे आए। ये पहले पूरा पैराग्राफ में यही बताया गया। वह इसमें इंग्लिश पोएट लॉर्ड बनियान वगैरह का बहुत प्रमुख था। और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि के द्वारा 1832 में ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो ग्रीक के एक नेशन बन जाने से क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा। इसके बाद पूरे यूरोप में लिटरेचर, साहित्य का प्रचार प्रसार शुरू, क्योंकि इमोशन, भावनाएं केवल और केवल साहित्य से ही लोगों के मन में आ सकती है। लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारी चीजों को भावनात्मक रूप से यूरोप के लोगों को समझाने के लिए, ताकि क्यों ऐसा किया गया, उनके अंदर नेशनल फीलिंग आ। और इसी को रोमांटिक इमेजिनेशन कहा जाता है। हिंदी में आप पढ़े हुए छायावाद, आपके हमारे शिक्षक आपको हिंदी के छायावाद के बारे में विस्तार से बताए होंगे, तो वही छायावादी जो विचारधारा थी, जो एक साहित्य के प्रति रुचि जगाने के लिए, वह यूरोप में भी उस समय प्रसारित होना शुरू हुआ। और जो यूरोप के इंग्लिश लैंग्वेज के जो पोएट थे या जो राइटर थे, जो नॉवेलिस्ट थे, जो फोक सिंगर थे, उन लोगों ने फोक सॉन्ग के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, ऐसे ऐसे साहित्य की रचना हुई, ऐसे ऐसे नाटक लिखे गए, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगे। साहित्यकार हमेशा राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास करता है। भारत में भी बहुत सारे राष्ट्रकवि हुए हैं। तो ठीक वही, यानी साहित्य का क्या कंट्रीब्यूशन था राइज ऑफ नेशनलिज्म में, ये इस पूरे टॉपिक्स में बताया गया है। इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, उसमें दिया भी है, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज लिखा भी है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में संस्कृति और साहित्य ने, रोमांटिसिज्म में कल्चरल मूवमेंट था व्हिच सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। विज्ञान और साहित्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर खड़े होते हैं। विज्ञान की विचारधारा को साहित्य नहीं मानता है और साहित्य के विचारधारा को विज्ञान नहीं मानता है, क्योंकि साइंस सबूत प्रूफ पर आधारित है और साहित्य कल्पना और भावना पर आधारित है। तो डेवलपमेंट में आप विकास साइंस के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जहां नेशन का फॉर्मेशन का बात हो, जहां राष्ट्र निर्माण की जरूरत हो, वहां साहित्य की भूमिका बढ़ जाती है।
क्योंकि जब तक लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी तब तक आप किसी नेशन का फाउंडेशन कर ही नहीं सकते हैं। और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में साहित्य, कल्चर, लिटरेचर ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। रोमांटिसिक्स कवियों का भी नाम है, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने ये दावा किया कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपुल दस्ट फॉक, माने किसी भी देश का सच्ची संस्कृति, किसी भी देश के लोगों की मेंटलिटी, वहां के लोकगीत, लोक संगीत और इन सब चीजों में, कविताओं में, कहानियों में पाई जाती है, जो फॉक म्यूजिक है। किसी भी देश के अगर कल्चर को आपको जानना है तो उस देश के फॉक लिटरेचर को पढ़ना होगा, आपको उसका अध्ययन करना होगा, तभी वहां के लोगों की मेंटलिटी के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि उस समय यूरोप में तीन बड़े पावर थे, ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया। ये यूरोप के तीन सबसे ताकतवर देश थे और पोलैंड की टेरिटरी पर इन तीनों का अधिकार था। तो ये जो सेंटीमेंट रोमांटिसिज्म के बाद जो सेंटीमेंट का उभार हुआ उसने भी पोलैंड के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग को जनरेट किया और म्यूजिक और लैंग्वेज इन दोनों की सहायता से, जैसे रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, किसी भी राष्ट्र के नेशन को यदि सेंटीमेंट को खत्म करना है तो ये साम्राज्यवादी लोग ये मान के चलते थे कि वहां के लैंग्वेज को खत्म कर दो, राष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज राष्ट्र का सबसे बड़ी उसका बेसिक चीज होता है, भाषा। तो पोलिश लैंग्वेज को खत्म करने का प्रयास जब रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने किया तो वहां के लोगों ने कैसे उनका विरोध किया, क्योंकि पोलिश लैंग्वेज जो है, तो भाषा कैसे राष्ट्रवाद को के उभरने में या राष्ट्रवाद के फैलने में हेल्प कर सकता है, ये रसिया और पोलैंड के बीच हुए विवाद से पता चलता है, उसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। 1830 के बाद दूसरा जो प्रॉब्लम आया वह हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट, भूख, गरीबी, ये सोशल कॉज था। इसके बारे में पूरा पहले पैराग्राफ में दिया गया है कि कौन कौन देश में पूरे यूरोप इसका मेन कॉज था, राइज ऑफ पॉपुलेशन, पूरे यूरोप का पॉपुलेशन जब बढ़ा तो सभी देशों में जॉब और एम्प्लॉयमेंट की समस्या उत्पन्न हो गई, शहरों में लोग स्लम में रहने के लिए बाध्य हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण रोजगार के अवसर तो प्रदान हुए लेकिन जितना जॉब था जॉब सीकर्स उससे ज्यादा थे, तो इससे पूरा यूरोप गरीबी की चपेट में आ गया और इसका प्रभाव भी लोगों की भावनाओं पर पड़ा। लोग इसके लिए साम्राज्य या राजा को रेस्पॉन्सिबल मानने लगे। तो इस फ्रांस में भी ऐसी स्थिति आ गई। तो फिर आगे चल के 1848 में दूसरा रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ जिसे उदारवादियों का रिवोल्यूशन कहा जाता है, 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। यह उदारवादियों का रिवोल्यूशन जिसमें मिडिल क्लास इन्वॉल्व था, ये पूरे चैप्टर में इसका पूरा स्टोरी बताया गया है कि कैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एक साथ मिल करके इस राष्ट्रवाद के खिलाफ उन लोगों ने कैसे जंग छेड़ा और उस युद्ध में राष्ट्रवादियों ने कॉमन पीपुल और जो रोमांटिसिज्म के बाद जो एक एजुकेटेड और लिबरल ग्रुप यूरोप में बन गया था उनके सहयोग से कैसे लिबरलों ने आंदोलन किया और इसका परिणाम हुआ। इसमें एक एग्जामिनेशन में पूछता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। तो 1848 के रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई ये घटना है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट शहर का नाम है। उस सिटी में क्रांतिकारियों ने 18 मई 1848 को ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, जर्मन क्षेत्र के जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उन लोगों ने फ्रैंकफर्ट में जमा होकर के जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए एक प्रस्ताव पास करने का निर्णय लिया और सेंट पॉल चर्च में ये पार्लियामेंट बुलाई गई थी और इसमें जर्मनी के लिए
जर्मन को एक नेशन के रूप में आगे लाने के लिए और मोनार्की को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट, इस सेंट पॉल पार्लियामेंट में, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सेंट पॉल चर्च में ये प्रस्ताव पास किया गया। ये पूरा जो पैराग्राफ है जिसमें विलियम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इसमें मोनार्की को पार्लियामेंट के अधीन लाया गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी संवैधानिक राजतंत्र की मान्यता जर्मनी में मिली, जिसमें फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो प्रशिया के राजा थे, उनको जो है फ्रैंकफर्ट सम्मेलन में जर्मन नेशन का किंग के रूप में उनको चुना गया। और ये जो है फर्स्ट स्टेप था, पहला स्टेप था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के। ये पेज नंबर 18 में आप पूरा फिगर देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, और उसके बारे में वही पूरा लिखा हुआ है। इसको आप निश्चित रूप से ऐसे जब असेसमेंट हम देंगे तो उसमें भी ये टॉपिक्स रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक्स को आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को तैयार कर लेंगे टॉपिक्स के रूप में और इसको पढ़ लेंगे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था ये हमने बता दिया है, बाकी इवेंट्स आपको बुक से पढ़ लेना है कि उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। दैट्स ऑल। आगे जो बुक बचा उसको थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे।